दोस्तों, आज मैं कुछ शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मेरे अगर आप लोग पीछे जाके मेरे ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं 12 साल का जॉब छोड़ के इधर आई थी। एंड आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरा नया स्टेट है, यहाँ का रूल्स रेगुलेशन स्कूल सब टोटली अलग है। बट आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट दैट विद इन अ वन मंथ आई गॉट अ जॉब इन अ वेरी रिनाउंड स्कूल। सो डेफिनेटली प्लीज़ कंग्रेचुलेट मी। और मैं आज वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने कैसे दिया था वो डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने बोला था प्राइमरी सेक्शन के लिए, सॉरी प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए मैंने एक टॉपिक चुना था, वो था इंग्लिश के ऊपर, और वो है रफ एंड स्मूथ। तो एट फर्स्ट आई डिडंट टेल देम कि मैं क्या उन लोगों को समझाने जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, राइट? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। टूडे आई हैव कम टू टेक योर डेमो क्लास ऑन इंग्लिश, डू यू नो? देन दे आई रिप्लाइड मी, देन आई टोल्ड ओके, कैन यू टेल मी एक्चुअली वेन एवर यू विल गो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। जब भी कहीं पर कोई डेमो देने जाओ, पहले से उसका प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि ये बहुत काम आता है। ये जो मैंने पहला एक दो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, तब मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया था, मैं प्रैक्टिस नहीं किया था, कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। पर बाद में धीरे धीरे दो तीन डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे क्या रेडी करना है। तो डेफिनेटली दोस्तों, साथ में टीचिंग एड जरूर लेके जाना है, ठीक है? और अगर हाथ में ड्रॉ करके लेके जाते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो मैंने जो लेके गए थे, एक टोमेटो साथ में लेके गई थी और उसके साथ एक बिटर गर्ड लेके गई थी, पर आज वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने बोला था पहले, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, आई एम ऑल्सो वेरी गुड। यू नो टूडे आई हैव कम, व्हाई आई हैव कम हियर, टूडे आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास, ओके? सो व्हेनेवर आई विल आस्क यू एनीथिंग, प्लीज चिल्ड्रन प्लीज रिप्लाई मी, ओके? ओके, सो कैन यू टेल मी, वेन यू टच एनीथिंग वेरी स्मूथ लाइक टोमैटो, हाउ यू फील? यू फील गुड और बैड? एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट, इट्स गुड मैम, इट्स गुड, वेरी गुड, मी टू, ओके। देन उसके साथ आप और दो तीन ऐसे ऑब्जेक्ट लेके जाओ और ऐसे करते रहो। Whenever you touch these things, suppose like a tomato, whenever you touch the tomato, how you feel? Is it good? They will reply, is it good? How it is? Is it smooth or is it rough? Is it smooth or is it rough? Then they will imitate you because you are telling smooth like this way. Then again you will take the bitter gourd or you will feel rough. You will feel rough. Then you will see immediately after the children will start giving the reply that rough and smooth. So the concept is rough and smooth. That is a very small topic, but that is very important for the primary or primary section from the beginning. So they will very well known or very accustomed with the feelings what is rough and smooth, and also it is a opposite word also, rough and smooth. So what is the opposite of rough? Smooth. What is the opposite of smooth? Rough. So children, today what you have learned, that is rough and smooth. So this is smooth, apple outside, smooth, and this is rough like bitter gourd, like pebbles, right? So this is called, so today's children, let's go for a little small game, okay? Whenever we tell you rough, you will stand up from your seat, okay? And you will tell an object name which is rough, okay? And whenever I will tell you smooth, you will sit on your chair and you will tell me a name of the object, okay? Suppose like I am telling smooth, I am sitting, and the object man, tomato, smooth, very good. Whenever I say rough,
rough. Ma'am, object is wind. The object is spoke. The object is sand. These all are the example of rough. So in this way, दोस्तों आप लोग अगर डेमो देंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको वो जॉब मिल ही जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है, कोई दूसरा क्लास के मतलब प्राइमरी के और कोई सेक्शन के बारे में कोई टॉपिक है, आप लोग मुझे कमेंट करके भेजना। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बताओ कैसे डेमो देना है। और डर जो है ना मन से बिल्कुल एकदम आप ये सोच के डेमोस्ट्रेशन दे दो कि आपके सामने बच्चे बैठे हैं और जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मुझे पता है ये जॉब आपके लिए बहुत जरूरी है, पर ये तो आपके हाथ में है नहीं, ये सब डेस्टिनी के हाथ में होता है। तो अपना 100% एफर्ट दो और डू वॉट एवर यू वांट। और छोटा मोटा इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल एरर, जब अभी मैं बोलती हूँ तो मेरे साथ भी हुआ है, अगर आपका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ, तो जो मैनेजमेंट होगा ये स्कूल कमिटी, दे विल इग्नोर योर दिस स्मॉल 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 प्रॉब्लम, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक। और कमेंट करके कमेंट में मुझे लिख कर भेजना कैसा लगा मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, बाय। तो अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं और एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ।